नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा इन दोनों के कारण ही कई राज्यों में है। प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता है, उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसा चार्म है। उन्होंने कहा कि मोदी के काम के चलते ही देश में भाजपा आई है। पवार महाराष्ट्र के जलगांव में एक राज्य स्तरीय कार्यकर्ता शिविर को संबोधित कर रहे थे। पवार ने नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भाजपा की भी तुलना की। उन्होंने कहा कि मोदी के कारण ही कई राज्यों में भाजपा सत्ता में है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन मोदी के चार्म और करिश्मे से ऐसा हुआ है। पवार पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। इसी साल अप्रैल में उन्होंने कहा था कि दो सांसदों वाली भाजपा 2014 में सरकार में उन्हीं के कारण आई है। इसके बाद 2019 में भी उन्हीं के कारण फिर से बीजेपी ने सरकार बनाई है। पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के अधिकारियों के तबादले तक की दरें तय हैं। राज्य के कई मंत्रियों के निजी सहायकों के घर पर भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी की गई है। पवार ने सरकार में मंत्रियों की कमी को लेकर कहा कि राज्य में प्रशासन को लेकर दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिंदे के मंत्रिमंडल में निर्धारित 43 में से सिर्फ 40 मंत्री भी ही शामिल हैं। ऐसे में सभी मंत्री काफी ज्यादा काम संभाल रहे हैं। सभी मंत्रियों के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, वे कई जिलों की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि सभी मंत्री इन सब चीजों को एक साथ संभालने में सक्षम है, लेकिन इससे राज्य में कामकाज में रुकावट आ रही है। इधर एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने अजित पवार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अमिताभ बच्चन है। जिस तरह फिल्म में अमिताभ बच्चन के होने की चाहत होती है, उनकी आवाज, उनका फोटो, उनका लुक और उनके साइन भी चलते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में हर जगह पवार की जरूरत है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।